The mega preparations ahead of the Ram Mandir temple opening on January 22nd. Now, these are the first pictures that we have accessed of the Ram Lalla idol inside the temple. Remember, Ram Lalla's idol was placed inside Garbhagriha today. The Pran Pratishtha ceremony, of course, lined up for January 22nd. These are the first images of the idol inside the Ram temple. It's a 51-inch tall idol weighing nearly 200 kgs. For more on this, I'm joined by my colleague Ranveer. Ranveer, ये पहली तस्वीरें आ रही हैं राम लल्ला की आइडल की जो गर्भगृह में इंस्टॉल हुई है आज, तो थोड़ा बताइए कि ये एकदम पहली तस्वीर जो आ रही है जिसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी लोगों की, तो ये पहले इमेजेस के बारे में बताइए। देखिए, पहली इमेज है भगवान राम की मूर्ति जो कल निकली थी उस जगह से जहां मूर्ति रखी थी और आज उसको गर्भगृह में आज विराजित किया गया है और वहां जब मूर्ति लगाई गई है उसके बाद पूजा पाठ हुई और ये पहली तस्वीर एनडीटीवी के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस मूर्ति को गर्भगृह में लगा दिया गया है और मूर्ति जो है आप देखिए कि सांवले भगवान राम थे और ऐसे में जो काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है इसकी हाइट 51 इंचेस है, यानी कि 4 फीट 3 इंच की ये मूर्ति है। जैसा आपने बताया 200 किलोमीटर की लगभग इसका वेट है और 5 साल के भगवान राम जो भगवान जब बचपन में जिस तरह दिखते थे उस तरह की एक मूर्ति बनाई गई है। इसको बनाया है कर्नाटक के रहने वाले अरुण योगीराज ने और उनकी बनाई हुई मूर्ति सेलेक्ट हुई थी, तो ये मूर्ति अब गर्भगृह में रखी हुई है और इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होगा। और अभी फिलहाल इस मूर्ति का जो चेहरा है उसको ढक करके रखा गया और ये 22 तारीख को जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी इस चेहरे को खोला जाएगा। और इसको खोलने की जो प्रक्रिया होगी पूजा के दौरान वो ये होगी कि एक सोने की छोटी सी जैसे माचिस की तीली होती है उस तरह का एक रॉड होगा, उस रॉड से सबसे पहले जो आंख है उस हिस्से को खोला जाएगा और उसको खोलने के बाद भगवान राम को एक शीशा दिखाया जाएगा। फिर जब पूजा पाठ होगी उसके बाद इस मूर्ति को बाकी सारे लोग देख सकेंगे और सदियों तक इस मूर्ति को इसी तरह से भगवान राम के जो भक्त हैं वो देख पाएंगे। तो गर्भगृह में ये मूर्ति रख दी गई है, इसको प्लेस कर दिया गया है और इसी मूर्ति के ठीक नीचे जो अभी जो जिस मूर्ति की पूजा होती है वो रखी जाएगी। तो दोनों मूर्तियां जो बड़ी हैं और छोटी दोनों की पूजा फिलहाल होगी। थैंक यू।